दोस्तों एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं, सेम पुष्पा राजवाला, मैं झुकेगा नहीं साला, तो इसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। दोस्तों ये सब मैंने इस डेविड गॉगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज किया है। इमेजिन कर सकते हो 135 किलो का बंदा, ओवरवेट, ओवरसाइज, और अब तक जहां पर भी हाथ डाला हो वहां हर जगह पर उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा, हर जगह निराशा हाथ लगी। इस बंदे की लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिला इसे। दोस्तों इस बंदे ने बचपन से ही इतनी मुसीबतें झेली हैं कि ये बचपन में ही पागल जैसा हो गया था। इस बंदे को पागल समझ के स्कूल से निकाल दिया गया था। इमेजिन कर सकते हो एक बच्चे के लिए इतना बड़ा रिजेक्शन कितना घातक साबित हो सकता था, सुसाइड का कारण बन सकता था। लेकिन ये बंदा मुसीबतों को ही खुशी बनाने वाला आज दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है। वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन, जो कि आयरन मैन के खिताब से सराहा गया है, अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। डेविड गॉगिंस की जीवन की कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्ट करती है, सॉरी सभी से नहीं, सिर्फ उन लोगों से जिन्हें अपनी लाइफ में वाकई कुछ करना है, जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना है। मुझे माफ करना आज एक बात कहने जा रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिन्हें खुद की एक पहचान बनानी है। टाइम पास वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। इफ़ यू हैव करेज टू डू समथिंग इन योर लाइफ देन इट इज़ फॉर यू। उनकी लिखी किताब यू कैंट हर्ट मी से उनका जीवन कितना दुख भरा था वो पता चलता है। पिताजी मारा करते थे, रात भर बचपन से काम किया था, पर उनका ड्रीम था एयरफोर्स में जाने का। पढ़ाई में कमजोर थे, नकल करके पास होते थे, इस वजह से एयरफोर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए। फिर एग्जाम की तैयारी करी, ओवरवेट थे, 135 किलो का वजन 90 किलो में लाए। 3 महीने के अंदर 45 किलो का वजन घटाया। इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की मेहनत करी होगी। दोस्तों डेविड गॉगिंस ने लाइफ में सक्सेसफुल होने के 5 टिप्स बताए हैं जो वो खुद अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें जो 5th है एक बोनस टिप है, एक लाइफ चेंजिंग बोनस टिप जो मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले मैं आपको डेविड गॉगिंस के 40% रूल के बारे में बताऊंगा, जो एक गेम चेंजिंग रूल साबित हुआ उनकी लाइफ में। इस 40% रूल की वजह से बड़ी बड़ी सक्सेस को चुटकियों में हासिल किया है उन्होंने। डेविड गॉगिंस ने अपने 40% रूल के बारे में बताया कि इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना 100% दिया है किसी भी काम में, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं उस सक्सेस को एक्सीलेंटली अचीव करने के लिए। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाए थे। इसी रूल के जरिए उन्होंने नेवी सील की हील वीक ट्रेनिंग को 1 नहीं 3 बार कंप्लीट किया, जो कि दुनिया की सबसे टफेस्ट कमांडो ट्रेनिंग है, जिसके जरिए उनका घुटना तक टूट गया था और वो तब भी रुके नहीं थे। इसी रूल के जरिए उन्होंने करीबन 17 घंटे लगातार पुलअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था, जिसमें लगभग 4030 से ऊपर पुलअप्स किए। इसलिए जब आपको लगे कि किसी काम में अपना 100% दिया है, गॉगिंस कहेंगे नो यू वुड नॉट, तो फिर से उठिए और जुट जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात ध्यान में रखना। फर्स्ट वन है कि ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, जुनून सवार करना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। गॉगिंस कहते हैं मोटिवेशन एक छोटी आग है जो कुछ देर तक आपको प्रेरणा देती है और आपसे काम भी करवाती है, पर जब बुरे दिन आते हैं तो यह आग ठंडी पड़ जाती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी होना पड़ेगा। रोज का एक टारगेट सेट कीजिए और उसे पूरा कीजिए। अगर उस दिन का गोल अधूरा रह गया तो आप में एक बेचैनी रहनी चाहिए। जैसे होता नहीं है कि जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो पूरे दिन बेचैनी रहती है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त रहती है, सेम वैसी फीलिंग होनी चाहिए जब आपका गोल, आपका टारगेट उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर जाओगे। अगर आप अभी भी टालमटोल करते हो और आज का गोल कल पर टालते हो, तो आप अभी जुनून से काफ़ी दूर हो। चाहे छुट्टी का दिन हो या और कोई ओकेजन हो, आपको अपना डेली गोल उसी दिन पूरा करना पड़ेगा, बस तभी आप अपनी सफलता पा सकते हो। डेविड अपना डेली गोल पूरा करने के लिए जुनूनी थे, इसलिए वो अपने जीवन के हर अचीवमेंट्स को पाए जो वो चाहते थे। जुनून मोटिवेशन से कहीं गुना बेहतर है, क्योंकि ये आपको उन सीमाओं के पार ले जाता है जो आपको रोके रखती हैं। कहीं ना कहीं आपको 100% देने में वो मदद नहीं करता जो आपका जुनून करता है। दूसरा है सिंगुलर फोकस, एक बार में एक चीज पर ध्यान देना बस। डेविड कहते हैं लोग दिन भर कई सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, पर वो उन कामों को नहीं करते जो उनके लिए जरूरी है, और अगर करते भी तो कई चीज़ों से अपना ध्यान भटका कर करते हैं। और यही कारण है कि लोग एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं, पर असाधारण या अपने काम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिंगुलर फोकस से काम करना होगा। जो आपका डेली का गोल है उस पर अपना ध्यान पूरा लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो, आपका मन करे ना करे, आपका पूरा डेडिकेशन अपने डेली गोल पर दो।
उससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। बस इस मेंटलिटी से चलोगे तो 101% आपको अपनी सक्सेस मिलेगी, मिलके ही रहेगी। तीसरा है, फेलियर से सीखें और अपना पोटेंशियल और बढ़ाएं। कोई भी काम में फेलियर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। डेविड कहते हैं फेलियर को अपना टीचर बनाएं। अगर अपने गोल में फेल हो गए हैं तो उठकर अपना टारगेट की लिमिट को और बढ़ाएं। देखो बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपका गोल था रोजाना 10 पुशअप करने का और आप कर नहीं पाए तो आप खुद को पुश करें अगले दिन 15 पुशअप करने के लिए। तुम्हारा माइंड ना बच्ची की तरह होता है, आसानी से बेवकूफ बन जाता है। जैसे 3 इडियट में आमिर खान नहीं बोलते थे ऑल इज वेल, सेम वैसे ही अपनी लिमिट से जितना ज्यादा टारगेट दोगे तो ये उतना तो अचीव कर ही लेगा जितनी डेली जरूरत है। बस खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करें तभी आप अपनी लिमिटेशन से पार जा पाओगे और अपना गोल आसानी से हासिल कर पाओगे। ऐसे ही नहीं, संदीप सर आसान है बोलते हैं, सच में आसान है अगर तुम्हें वाकई में आसान बनाना आता है तब। चौथा है, वॉरियर माइंडसेट, योद्धा वाला मानसिकता। नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है और इसमें ट्रेनिंग के दौरान डेविड को कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें ज्यादातर लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। डेविड को कई बार ऐसा लगा पर अचानक कुछ हुआ, उन्हें याद आया कि वो बचपन में कितने दुख कितनी मुसीबतें झेल कर रखी हैं और कैसे उन्होंने 135 किलो का वजन को 90 किलो वजन में आने के लिए 3 महीने कोशिश करी थी। कैसे वो एक थर्ड क्लास स्टूडेंट होने के बावजूद एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी भी करी और उसे क्लियर भी कर पाए। ये सब उनकी जीत है और यही उन्हें उस कठिन घड़ी में प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। जब वो टूट के उस नेवी सील ट्रेनिंग से गिव अप करने वाले थे तब जानलेवा स्थिति में भी वो उन चीज़ों को याद करते हैं जो उन्हें हर दुख का सामना करके वॉरियर बनाता था, यहाँ तक लाया था। डेविड समझाते हैं कि लोग जब असफलता या दर्द का सामना करते हैं तब भूल जाते हैं कि कैसे वो पहले भी कई कठिन परिस्थितियों को पार करके आगे आए थे। अगर ये बात उस समय महसूस कर लें तो वो कुछ देर और दर्द का सामना कर लेंगे और फिर से उस बुरे हालात को पार कर जाएंगे। इसे ही वॉरियर माइंडसेट कहते हैं। बस यही डेवलप करना है हमको भी। पांचवा और लास्ट बोनस टिप्स जो आपसे वादा किया गया था कि वीडियो के अंत में डिलीवर करा जाएगा, वो ये है कि वॉरियर माइंडसेट कैसे बनाएं। इसके लिए डेविड विजुलाइजेशन का सहारा लेते हैं। वो अपनी गोल के बारे में सोचते हैं, साथ ही साथ उसमें आने वाली अड़चनों को भी बारीकी से सोचते हैं और उसका हल कैसे करेंगे उसे भी सोचते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, इसलिए जो भी आपका लक्ष्य उसे विजुलाइज करने के साथ उसमें आने वाली चुनौतियों को देखो और उसके समाधान के बारे में सोचो और ये काम रोजाना करो। साथ ही साथ कुछ बातें क्लियर होना भी जरूरी है। कुछ सवाल आप खुद से पूछें कि जो लक्ष्य आप चाहते हैं वो क्यों चाहिए। यहाँ ना आपने ये कई बार सुना होगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ योर वाई मस्ट बी वेरी क्लियर। संदीप सर भी यही बोलते हैं, बिंद्रा सर भी यही बोलते हैं, सोनू सर भी यही बोलते हैं, योर वाई मस्ट बी वेरी क्लियर, है ना। कौन सी बात है जो आपको उसे पाने के लिए प्रेरणा दे रही है। जब चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको उसमें आने वाली कठिन स्थिति आपको हारने नहीं देगी बल्कि एक योद्धा बनाएगी और आपको जीत की ओर ले जाएगी। बड़ी सिंपल सी बातें हैं ये। जितनी भी बड़ी बड़ी अचीवर्स हुए हैं इनके पास कोई जादू नहीं है, कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशियलिटी है जो उन्होंने अपनी ढूंढ ली और आज बड़े मुकाम पर बैठे हैं। सेम हमें भी करना है, अपनी स्पेशियलिटी को ढूंढना है और इसी को कहते हैं कि वॉरियर माइंडसेट कैसे होता है। ऐसे ही होता है, इसी सिंपल तरीके से। आसान है सर, बहुत सिंपल है बस।